सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे 1998 में रिलीज हुई मूवी बोर्डम को। ये कहानी है एक मार्टिन नाम के आदमी की। मार्टिन एक अधगड़ उम्र का फिलोसफी टीचर है जो अपनी जिंदगी को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, यहाँ तक कि उसका कोई लाइफ गोल भी नहीं है। और इसी कारण 6 महीने पहले मार्टिन और उसकी वाइफ सोफी का डाइवोर्स हो चुका है। तो आइए जानते हैं मार्टिन की पूरी कहानी को, लेकिन उससे पहले आप सब लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आगे हम देखते हैं कि सोफी ने अपने घर पर एक हाउस पार्टी रखी हुई थी जहां पर मार्टिन भी आ पहुंचता है। यहां पर मार्टिन सोफी के आसपास रहने की कोशिश करता है, लेकिन सोफी मार्टिन को अपनी एक दोस्त से मिलवाते हुए दूसरे कमरे में चली जाती है। सोफी की दोस्त मार्टिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, मगर मार्टिन उसकी बातों को ना सुनते हुए पूरे घर में सोफी को ढूंढने लगता है। थोड़े टाइम बाद मार्टिन को पता चलता है कि सोफी एक जीन नाम के आदमी को डेट कर रही है जो वहीं पार्टी में मौजूद था, जिस बात से गुस्सा होकर मार्टिन वहां से चला जाता है। अब अगले दिन स्कूल की क्लास में भी मार्टिन काफी कंफ्यूज दिखाई दे रहा था। इन सब से परेशान होकर मार्टिन एक डॉक्टर को भी विजिट करता है, लेकिन चेकअप के बाद वो डॉक्टर मार्टिन को बताता है कि तुम्हारी हेल्थ तो बिल्कुल ठीक ठाक है। ये सुनने के बाद मार्टिन उस डॉक्टर को अपनी परेशानी के बारे में बताता है, तो वो डॉक्टर मार्टिन को एडवाइस देता है कि शायद तुम्हें किसी साइकोथेरेपिस्ट की जरूरत है, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें एक यंग लेडी के साथ किसी ट्रिप पर घूमने जाना चाहिए। अब रात को अपनी गाड़ी में घूमते हुए मार्टिन एक यंग लड़की को एक बूढ़े आदमी के साथ देखता है। यहाँ पर मार्टिन उस लड़की की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो चुका था। उस लड़की के जाने के बाद वो बूढ़ा आदमी एक बार के अंदर चला जाता है, तो मार्टिन भी उसके पीछे पीछे बार में चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अपने पैसे घर पर ही भूल आया था, तो क्लब के बाउंसर उसे मारने लगते हैं। इस टाइम पर मार्टिन आकर उस बूढ़े आदमी की मदद करता है। वो आदमी मार्टिन को अपना नाम मेयर बताता है, साथ ही वो उसे कहता है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मार्टिन को अपना एड्रेस बताने के बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब 3 दिनों बाद मार्टिन मेयर से मिलने उसके घर चला जाता है, जहाँ पर एक लेडी से उसे पता चलता है कि पिछली शाम को मेयर की मौत हो गई, और आसपास के लोगों का कहना है कि उस समय मेयर एक यंग लड़की के करीब आ रहा था, तो शायद वो लड़की ही उसकी मौत का कारण हो सकती है। अब अगले दिन मार्टिन फिर से मेयर के घर चला जाता है, जहां पर वो पहली बार उस लड़की से मिलता है जो दिखने में काफी यंग और अट्रैक्टिव थी। वो लड़की मार्टिन को बताती है कि मैं तो बस यहां पर अपना सामान लेने आई थी। मार्टिन उस लड़की से कुछ सवाल पूछने लगता है। वो लड़की मार्टिन से कहती है कि मेरा नाम सिलिया है और मेरी उम्र 17 साल है। मैं यहाँ पर मेयर की पेंटिंग्स के लिए मॉडल का काम करती थी। मार्टिन सिलिया से पूछता है कि तुम मेयर की सिर्फ एक मॉडल थी या फिर तुम दोनों के बीच कुछ और भी था, तो सिलिया उसे कहती है कि मैं मेयर से प्यार करती थी क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल मेरे डैड की तरह थे। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी ओपनली बातें करने लगते हैं, जिससे उन दोनों के अफेयर की शुरुआत होती है। अब अगले दिन स्कूल में मार्टिन स्कूल के प्रिंसिपल से कहता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए, लेकिन स्कूल का प्रिंसिपल इस बात के लिए तैयार नहीं था। अब दोपहर के 2 बजे सिलिया मार्टिन के घर आती है, जिसके बाद वो अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं। सिलिया मार्टिन से कहती है कि मैं हर रोज तुम्हारे पास इसी टाइम पर आया करूंगी। अब रात को मार्टिन सोफी को सिलिया के बारे में बताता है और उसे कहता है कि शायद सिलिया मुझे पसंद करती है, लेकिन मुझे वो कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। अब सिलिया के साथ कुछ दिन बिताने के बाद मार्टिन को लगता है कि शायद सिलिया उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अब मार्टिन को सिलिया की आदत पड़ने लगी थी। दूसरी तरफ सोफी का अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका था और वो मार्टिन से भी कहती है कि शायद तुम्हें भी सिलिया को अब छोड़ देना चाहिए। अगले दिन सिलिया मार्टिन को विजिट नहीं करती, जिस बात को लेकर मार्टिन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, और अगली सुबह मार्टिन सिलिया को एक और लड़के के साथ देखता है। दोपहर को जब सिलिया मार्टिन के पास आती है तो मार्टिन उससे कल न आने की वजह पूछता है, तो सिलिया कहती है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे पेरेंट्स को मुझ पर शक हो।
तभी मार्टिन उसे कहता है, लेकिन तुम मेयर को तो हर रोज विजिट करती थी। सिलिया कहती है, हाँ, क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स को काफी अच्छे से जानते थे और वो मेरे ड्राइंग टीचर भी थे। उस लड़के के बारे में पूछने पर सिलिया बताती है कि वो तो मेरा दोस्त मोमो है और हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो। अब एक दिन सिलिया मार्टिन को अपने घर लेकर चली जाती है और उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाती है। सिलिया अपने मॉम डैड से कहती है कि मार्टिन मेरे नए ड्राइंग टीचर हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिलिया के डैड को कैंसर की बीमारी थी। खाने के बाद सिलिया मोमो के पास जाने के लिए मार्टिन से लिफ्ट मांगती है, जिसके बाद मार्टिन को उसके ऊपर पूरी तरह से शक होने लगता है कि मोमो और सिलिया के बीच जरूर कुछ चल रहा है। वो इस बारे में सोफी से मदद मांगता है, लेकिन सोफी इस बात के लिए मना कर देती है। अब आखिरकार सिलिया मार्टिन को बता ही देती है कि वो मोमो से भी प्यार करती है। तो मार्टिन उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहती हो? सिलिया कहती है, ऐसा नहीं है, मैं तुम दोनों से प्यार करती हूँ। पहले तो मार्टिन को सिलिया पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसे अब सिलिया की आदत लग चुकी थी। मार्टिन सिलिया को शादी के लिए प्रपोज भी करता है, लेकिन सिलिया उसे मना कर देती है क्योंकि वो मोमो को भी नहीं छोड़ सकती थी। थोड़ी देर बाद सिलिया मार्टिन से कुछ पैसे मांगने लगती है। इसकी वजह पूछने पर सिलिया कहती है कि वो 2 हफ्तों के लिए मोमो के साथ कहीं बाहर घूमने जा रही है। मार्टिन गुस्से में आकर सिलिया को मारने लगता है, लेकिन वो उसे कुछ पैसे भी दे देता है। रात को सिलिया को उसके घर छोड़ने के बाद मार्टिन को फिर से सिलिया की याद आने लगती है, और जैसे ही वो सिलिया के घर जाता है तो सिलिया की मोम उसे बताती है कि सिलिया तो अपने दोस्त मोमो के साथ ट्रिप पर चली गई है और उसने तो अपने डैड की भी परवाह नहीं की, क्योंकि उसके डैड के पास शायद अब 3 ही दिन बचे हैं। ये सब कुछ देखने के बाद हमें पता चलता है कि सिलिया एक बहुत बुरी लड़की है, जिसे लोगों का फायदा उठाना काफी अच्छे से आता है। अब गुस्से में गाड़ी चलाते समय मार्टिन का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। आखिर में वो सोफी को एक लेटर लिखता है, जिसमें उसने लिखा था कि पहले तो मैं हर समय मरने के लिए तैयार रहता था, लेकिन अब मुझे इस जिंदगी की अहमियत समझ में आ चुकी है। जहां पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट बॉक्स द्वारा हमें अपना कीमती सुझाव जरूर दीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। और हाँ दोस्तों, आने वाले मूवीज के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर ले, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन साथ में आए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। मैं मिलता हूँ आप सबसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।